वेलकम टू नाज़रीन सामने कराम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हम सब अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आज का मेरा मौजू है लीगली रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, मैसने प्रॉफिट मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कायम मकाम कानूनी नुमाइंदा वासलात जायदाद मनकूला और जायदाद गैर मनकूला कानून की ज़बान में क्या कहलाती हैं, इनकी तारीफ़ात क्या हैं, डेफिनेशंस क्या हैं। तो उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब व्यू और लाइक करें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँगा, ममनून हूँगा। मैक्सिमम लोगों तक कानून की तालीम आगाही पहुँचाएँ। तो आइए जनाब, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है यानी कायम मकाम कानूनी नुमाइंदा, ऐसा शख्स जो किसी फौजशुदा शख्स की जायदाद का कायम मकाम हो, कायम मकाम कानूनी या कानूनी नुमाइंदा कहलाता है। नंबर दो, वासलात जायदाद मैसने प्रॉफिट। वासलात जायदाद से मुराद मुनाफा है वसूल किया जो उसने, जो जायदाद के काबज़ नाजायज़ ने जो नाजायज़ कब्ज़ा कर लेता है ज़बरदस्ती और उस पर फिर अपना तसर्रुफ़ या उस पर कुछ ज़राअत या उसको बिल्डिंग को किराए पे देता है, वो किराया जो नाजायज़ कब्ज़े के ज़रिए हासिल होता है वो वासलात होती हैं। तो फिल हकीकत जायदाद से वसूल किया हो उसने, या वो शख्स मामूली कोशिश के वसूल कर सकता था, तो वो जायदाद वासलात जायदाद कहलाता है, वो मुनाफा जो गैर कानूनी ज़राए से नाजायज़ कब्ज़े से हासिल किया जाता है। उसके बाद जायदाद मनकूला है यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। जायदाद मनकूला से मुराद ऐसी जायदाद मादी जो ज़मीन से मुलहिक हो, अटैच हो या पैवस्ता हो या हमेशा के लिए दायमी तौर पर मुलहक या पवस्ता की गई हो, ऐसी जायदाद जिसमें पत्थर या मिट्टी वगैरह शामिल हो, अगर ज़मीन से अलग कर ली जाए तो ऐसी जायदाद मनकूला कहलाती है, यानी मूवेबल जायदाद प्रॉपर्टी वो कहलाती है जो अलग हो सके, मूव हो सके एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी या जायदाद मनकूला कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सके, मुंतकिल हो सके। मनकूल इंतकाल ट्रांसफ़र या मूव होना, तो उसको जायदाद मनकूला कहते हैं। फिर अगला स्टेप, अगली जो चीज़ बताने वाला हूँ वो जायदाद गैर मनकूला है यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होगी जो दायमी तौर पर ज़मीन से मुस्तकिल तौर पर परमानेंट मुलहिक या पैवस्ता हो, जिसको ज़मीन से अलग ना किया जा सके, गैर मनकूला जायदाद कहलाती है। हमारा प्लाट है, बिल्डिंग है, हमारी ज़रे ज़मीन है, वो वहाँ से ज़रे ज़मीन दो चार मरबे जितनी भी है, 10 मरबे 100 मरबे जितनी भी है का अनलिमिटेड ज़रे ज़मीन, उसको उठा के हमें दूसरी दफ़ा तो नहीं ले जा सकते। अब बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग की सारी को उठा के दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते, वो गैर मनकूला है। प्लाट है, इस तरह हो तो मुंतकल नहीं हो सकता एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको गैर मनकूला इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। हमें अक्सर हमारे ये दीवानी मसाइल में इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बाज़ मुवक्किल या क्लाइंट को पता नहीं होता कि कानूनी नुमाइंदा क्या होता है, तो उसके लिए ये डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं।